दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बुलेट प्रूफ अंगारा। अगर ये सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट है 1, 2, 3। तो अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो पहले उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, अंगारा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ बुलेट प्रूफ अंगारा। चार्ली ने डॉन खुरा से मिलकर अंगारा को ध्वस्त करने का प्लान बनाया और उसे राजा बिलाव के खजाने का लालच दिया। डॉन खुर्रा ने चार्ली के साथ 1, 2, 3 को अंगारा द्वीप के लिए रवाना किया, लेकिन डॉन खुर्रा के सबसे खतरनाक योद्धा 1, 2, 3 इतनी आसानी से कैसे पकड़े गए? अंगारा सर, वह सब मेरे लोमड़ी वाले दिमाग की चाल थी। वैसे सिखों ने हमारी मदद न की होती तो घमासान होता। और आपने सिखों को भी आजाद कर दिया। हाँ सुजुकी, मैंने उसे पहले वचन दे दिया था कि उसे अब कभी गिरफ्तार नहीं करूंगा। सिर्फ सिखु ही राजा बिलाव के उस खजाने का रास्ता जानता है जिसका लालच देकर चार्ली मुझसे टकराना चाहता है। सिखु के आजाद होने के बाद चार्ली ने कोई नया नया हंगामा खड़ा कर दिया तो तब देखा जाएगा। उधर सिखु तो था आजाद हो चला था। इतने दिन तक मैं अंगारा के पिंजरे में पड़ा रहा। चार्ली ने सिखु के साथ 1, 2, 3 को खजाने के लिए भेजा था। वह खुद एक वीरान टापू में डेरा जमाए हुए था। आधा खजाना डॉन खुरा को मिलते ही वह अंगारा का खात्मा कर देगा। ही। जब सिखु अकेला लौटा तो आए तुम अकेले? 1, 2, 3 कहाँ है? वे खजाना लेकर निकल गए चार्ली उस्ताद। क्या, खजाना लेकर फरार हो गए? उनकी ये मजाल? लगता डॉन खुरा के इन गुर्गों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है चार्ली उस्ताद। धोखेबाज डॉन खुर्रा, देख मैं तेरा कैसा कीमा बनाता हूं। मैं भी साथ चलूंगा चार्ली उस्ताद, खुर्रा का कीमा बनते देखूंगा। चार्ली और शिखु सीधा खुर्रा के अड्डे की ओर उड़ चले। ये 1, 2, 3 है बड़े करामाती चार्ली उस्ताद। हाल नंबर 1 के पास रॉकेट जैसी उड़न शक्ति है। जिसको पकड़कर वह उड़ता है वह नकारा हो जाता है। नंबर 2 हिप्नोटिज्म में माहिर है। नंबर 3 कटखना है, जिसे काटता है वह उसका गुलाम बन जाता है। चार्ली उस्ताद, मैं तो उन्हें अश्रु मंत्र से हंसा हंसा कर मार डालता, मगर आपने मुझे चुप करा दिया। खुर्रा के अड्डे पर कहां है डॉन खुर्रा, धोखेबाज मक्कार लालची? चार्ली ने अड्डे में घमासान शुरू कर दिया। शिखु अगर 1, 2, 3 मुकाबले पर आए तो उन्हें हंसा हंसा के मार डालना। अच्छा उस्ताद, डॉन खुर्रा आदम का। अबे क्या हो रहा है ये चार्ली, ये कैसी तोड़फोड़, मार काट किस लिए? तुम्हारे 1, 2, 3 ने गद्दारी की है। तीनों खजाना लेकर चंपत हो गए। आधा खजाना मेरे वाले कर दे खुर्रा, वरना दांत तोड़कर रख दूंगा। क्या बकता, 1, 2, 3 तो अभी लौटे तक लौट कर ही नहीं आए। यह झूठ बोलता उस्ताद, आए तेरी तो। अबे तू क्या पागल हो गया, 1, 2, 3 का पता जानना चाहता है? बता कहाँ है तीनों लालची कुत्ते? वे जहां भी होंगे मेरा रेडियो सर्किट बता देगा। उनके जिस्मों पर ट्रांसमीटर है, उनसे बात भी की जा सकती है। डॉन खुर्रा चार्ली और चीकू को कंट्रोल रूम में ले आया। देखो अभी पता चल जाएगा वे कहां है। रेडियो यंत्र सक्रिय हो गया, पिक पिक। वे रहे उन तीनों के स्थान, तीनों अलग अलग जगह पर हैं और चार्ली इन तीनों की लोकेशन अंगारा द्वीप ही है। वे कभी वहां से बाहर नहीं आए। उनसे बात तो करो। हेलो हेलो, 1, 2, 3, मैं नंबर 1 बोलता हूँ, चार्ली से बात करो। हेलो नंबर 1, तुम कहाँ हो? अंगारा ने हमें फांस दिया है। मैं नंबर 2 बोलता हूँ, मैं किसी सुरंग में घूम रहा हूँ। जिधर भी जाता हूँ घूम फिर कर यहीं आ जाता हूँ। मैं नंबर 3 बोलता हूँ, शिखु तो तेने हमारे साथ धोखा किया, वह अंगारा से मिल गया। शिखु ने धोखा? शिखु फुर हो गया। सिखू मेरे साथ आया था, कहाँ गया? सिखू गया तेल लेने। पहले मुझे 1, 2, 3 को अंगारा को की तिलिस्मी सुरंगों से निकालना होगा। उड़ा के रख दूंगा अंगारा द्वीप को। अभी अपनी आर्मी को रवाना करता हूँ। सुन चार्ली, मैं खुद अंगारा को तहस नहस करके खजाने पर कब्जा करूंगा। हमारी पार्टनरशिप खत्म, अब तू यहां से दफा हो जा। लेकिन सिखू, बाढ़ में गया तू और तेरा सिखू। चार्ली अड्डे से बाहर आया। सिखू ने ऐसा क्यों किया?
बड़े बेअब्रू होकर खुर्रा के कुचे से हम निकले। सब दोस्त गद्दार हो गए, पहले चिल्ली फिर सिकू। अब लगता है मुझे अपनी चिता जलानी पड़ेगी। चार्ली ने चिता तैयार कर ली। आत्म दया करूंगा मैं। तभी चार्ली उस्ताद कौन है बे? मैं सिखू। सिखू अबे तू गद्दार नालायक नरम नमक हराम। चार्ली उस्ताद मैं गद्दार नहीं हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने अंगार को सह और मात दे दी। कैसे बे? अंगारन ने लोमड़ी वाले दिमाग की चाल चल के एक दो तीन को फांस लिया और अब एक दो तीन को छुड़ाने के लिए खुर्रा तबाही मचा देगा। इस तरह अंगारा खल्लास। इसके अलावा एक फायदा और, वह क्या? अंगारा ने वचन दिया कि वह मुझे कभी गिरफ्तार नहीं करेगा। इस तरह सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे, यानी अंगारा खल्लास और खजाना भी सुरक्षित। मुझे लगता है अंगारा खुर्रा को खलास कर देगा। ऐसे में हमको काउंटर अटैक करना चाहिए। काउंटर अटैक? हाँ चल अंगारा दीप। दोनों चल पड़े अंगारा दीप के लिए। उधर डॉन खुर्रा के तीन बम वर्षक विमान अंगारा दीप पर बम छोड़ रहे थे। ब्राउन चौथे विमान से खुर्रा की गैंग उतरने लगी। एक कॉप्टर में डॉन खुर्रा उड़ रहा था। हेलो कमांडर, प्लान के अनुसार उस सीमा में दाखिल हो जाओ जहां एक दो तीन की पोजीशन है। हमारा प्रमुख काम है एक दो तीन को निकालना। और एयर कमांडर, तब तक तुम अंगार द्वीप के दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण जारी रखो। हमने हुकूमतें पलटी हैं अंगारा, अब देख अपनी तबाही। हवाई हमले का सामना करने के लिए अंगारा शस्त्रों से तैयार होने लगा। मशीन गन और ग्रेनेड के साथ ही रॉकेट गन भी लेनी चाहिए ड्रोन खुर्रा के बम वर्षक विमानों के लिए। जटायु कम ऑन। शस्त्रों से लैस अंगारा को जटायु आकाश में ले उड़ा। अंगारा ने एक यान उड़ा दिया, दूसरा बम वर्षक भी ध्वस्त हुआ। तीसरा यान बम वर्षा जारी रखे था, अंगारा ने उसे भी उड़ा दिया। बड़ा इस बीच जटाई को कई गोलियां लग चुकी थी। जटाई तुम घायल हो, मेरी चिंता न करे बॉस, आप अपना काम करे, मुझे तुरंत जमीन पर ले चलो। अंगारा ने जटायु के शरीर में दसी गोलियां निकालकर मरहम पट्टी कर दी। अंगारा बढ़ चला, अब तुम थोड़ी देर आराम करो, मुझे जमीन पर से ही आक्रमण करना है। आबू कम ऑन, जल्दी, मैं आ गया देवता। आबू क्या तुम्हें मालूम है छाताधारी किस तरह बढ़ रहे हैं? मैंने तो उनके कमांडर की बात भी सुनी, ये सब ड्रोन खुर्रा के आदमी है और उनका मकसद है एक दो तीन को छुड़ाना। साथ ही डॉन खुर्रा खजाने के लालच में इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। ठीक है, सारे पक्षों को निगरानी पर लगा दो, हर तरफ चौकसी रखो। तब तक चार्ली और सिखो भी वहां आ चुके। देखा, बेड़ा गर्क कर दिया अंगारा ने। खुर्रा के तीनों यान अकेले अंगारा ने मार गिराए। मौका अच्छा सिखो, अंगारा युद्ध में उलझा हुआ है, हम हुरदन को दलदल से निकाल सकते हैं। दलदल में मैं अंदर तक उतर सकता हूँ। नहीं, मगर पता नहीं हुरदन दलदल में कितनी गहराई में समाया गया है। हुरदन एक जिंदा कंकाल था जो सिखू के जमाने में अमर हो गया था। अंगारा ने उसे दलदल में दफन कर दिया था। वह सिखू और चार्ली का दोस्त बन गया था। अंगारा तिलस्मी सुरंगों की तरफ बढ़ा। अंगारा द्वीप के अंदर सदियों पहले राजा बिलाव का राज था जो जमीन में समा गया, और वहीं पे यह सुरंगों का जाल है। इसका पूरा नक्शा में खुदाई में मिल गया था। राजा बिलाव के जमाने की बनी यह तिलस्मी सुरंगें हमारे काम आ रही हैं। मगर सर, आपने एक दो तीन को जिंदा क्यों छोड़ दिया? मैं तीनों को अपनी आर्मी में लेना चाहता हूँ। इन सुरंगों से वह बाहर निकल ही नहीं सकते, मैं उनका ब्रेन वॉश कर दूंगा। खुर्रा को कैसे पता चल गया कि वे तीनों यहाँ हैं? वो जरूर उनके पास ट्रांसमीटर होगा।
रास्ते में अंगारा की फुरा के छापा मारो से भिड़ंत हो गई। वह अंगारा शूट हिम अबू तू भाग जा। हा हा। अरे इस पर तो गोलियां असर ही नहीं कर रही है। अबे हम बुलेट प्रूफ अंगारा है, गेंडे ही खाल है हमारी। अब तुम सबको यहीं दफन होना है, बहुत नुकसान किया तुमने अंगारा द्वीप का। ओह ओह है कोई और बचा? तभी फुरा का कॉप्टर आ गया। मेरी सारी जन्नत तबाह कर दी संगारा ने, मैं इस टापू को एटम बम से उड़ा डालूंगा, तहस नहस कर डालूंगा। इस वक्त जटायु को कष्ट देना उचित नहीं है, मैं यहीं से रॉकेट गन का प्रयोग करता हूं। अरे मैं यहां हूं यहां। अंगारा उस पहाड़ी पर खड़ा, कॉप्टर मोड़ो और उस पर बमों की मार्ग लगाओ। जैसे कॉप्टर पास आया, मैं तो पूरी आर्मी से लड़ चुका हूं खुर्रा, कमांडो बुलेट प्रूफ अंगारा है मेरा नाम। उधर दलदल में धड़ाम, जल्दी करो जल्दी, क्या हुआ? खुर्रा का कॉप्टर भी भस्म हो गया, चार्ली उस्ताद। सीखू वहां से उठकर थोड़ी दूरी पर छिप गया। जय प्रिंस टुम्बाकी। चार्ली दलदल में घुस गया और उड़दन को तलाश करने लगा। अपने सारे शस्त्र रखकर अंगारा आराम करने बैठा, लेकिन तभी चार्ली दलदल में उड़दन को छुड़ाने घुसाए। सर्कस के तंबू के मोटे कपड़े से दलदल ढककर अंधेरा कर दो, सूरज की एक भी किरण दलदल पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि चार्ली सूरज की किरणों से ही शक्ति प्राप्त करता है। उसे फंसा दो चूहेदान में। तंबू के मोटे कपड़े से दलदल ढक दी गई। थोड़ी देर बाद चार्ली हुरदन को दलदल से बाहर लाया। निकल हुरदन निकल। लेकिन उसी समय मेरी एनर्जी खत्म, बाप रे यह अंधेरा कैसा, चारों तरफ अंधेरा। चार्ली शक्तिविहीन होकर दलदल में डूबने लगा। कहां फंस गया मैं? अबे हुरदन निकाल मुझे बाहर, मैं बेकार हो गया। हुरदन ने एक रस्सी फेंकी, इसे पकड़ चार्ली। तभी अंगारा आ गया और ठाक, उड़दंग भी जा गिरा दलदल में। अब इसी रस्सी से दोनों अंदर ही रस्सा कसी करते रहो। देखते देखते उड़दंग और चार्ली दलदल में डूब चुके। सुजुकी फौरन मजदूरों को बुलाओ और यहां दलदल को ढककर चबूतरा बना दो। दूसरे दिन, देखिए सर बन गया चबूतरा, पूरा दलदल इसके नीचे गर्क हो गया। इस पर शहीद चार्ली और उड़दंग की मूर्तियां लगा दी जाए। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इससे अगली कॉमिक्स है अंगारा हवा महल में, तो इसको भी पढ़ूंगा मैं जल्दी। कॉमिक्स आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।